खबर दिनभर मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में बसे हजारों परिवारों को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। पिछले 12 सालों यानी साल 2013 से पृथ्वीराज नगर योजना के जो लोग बिजली कनेक्शन से महरूम थे, आज उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है। हाईकोर्ट ने सोसाइटी मट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक को आज हटा दिया। कोटा जंक्शन से एक 4 साल के मासूम के किडनैपर का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें किडनैपर मासूम को ले जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मासूम का अपहरण हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। सीसीटीवी के अलावा पुलिस तकनीकी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। झलावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के गांव थानवाद में पैसों की लेनदेन की पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को टोल के पास से गिरफ्तार किया। अब दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। प्रदेश की अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी के कारण फिर से मतदान करवाया जा रहा है। बीते दिनों अजमेर के एक बूथ पर रिपोलिंग हुई थी, अब राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 8 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का मामला साधारण स्थिति है। चुनाव का वक्त है और केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, वो इससे पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी। अब मनीष सिसोदिया पर अगली सुनवाई 15 मई को होगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राधिका खेड़ा ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ अभिनेता शेखर सुमन भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ईडी ने झारखंड में बड़ी मात्रा में केश बरामद करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों को रात भर की पूछताछ के बाद पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5वें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मोहम्मद चौधरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर मंगलवार सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शाह ने मतदान केंद्र पर जाते हुए लोगों से बातचीत की और ऑटोग्राफ दिया। शाह के साथ उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य इस वक्त मौजूद रहे। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।